से पर्दा उठा दिया है। आपको याद होगा कि भारतीय पायलट पकड़ा गया था, और भारतीय पायलट जो है वो अभिनंदन, उसके साथ एक और पायलट भी शामिल था। ये बात जो है वो छुप गई थी और ये बात सामने नहीं आई थी। वो पायलट कौन था, किसका था, किसने भेजा था, भारत और इसराइल मिलकर क्या साजिश जो है वो रचा रहे थे, आज पर्दा चाक हो चुका है इस बात का। भारत और इसराइल मिलकर पाकिस्तान को किस तरह हराने की कोशिशों में लगे हुए हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने खोल के सामने रखती हैं। अब जनाब, इन्होंने इसराइली न्यूज़पेपर ने ये दावा किया है कि भारतीय पायलट के साथ दूसरा पायलट इसराइली गिरफ्तार किया गया था। इस खबर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। अब इसराइल खुद ही जो है वो मान गया है कि हमारा जो है वो पायलट शामिल था, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भारतीय पायलट के साथ भी कोई और पायलट शामिल था। पाकिस्तान से आपने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी होगी, लेकिन अब खुद इसराइली अखबार जो है, ये आप अखबार की फुटेज देख रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि हमारा एक पायलट जो है वो अभिनंदन के साथ था, वो भारतीय पायलट के साथ था और उसको अभी तक पाकिस्तान ने वापस नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जितनी कार्रवाइयाँ करवाई जा रही हैं, वो फजाई हो या अंदरूनी हो, उसमें भारत और इसराइल का हाथ है, और ये मुसलमानों को जो है वो डैमेज करने की एक पॉलिसी पर जो अमल किया जा रहा है, इस पर ये कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलमानों का अकीदा अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर है, और अगर इस तरह की जो है वो ये हरकतें करेंगे तो इससे इनको कोई फ़ायदा हासिल और वसूल होने वाला नहीं है। तो आपने ये देखा कि ये एक ऐसी खबर है जिसने तमाम दुनिया में तहलका मचा दिया है कि वाकई भारतीय पायलट के साथ भी कोई शामिल था। पाकिस्तान ने तो ऐसी कोई खबर दी ही नहीं। पाकिस्तान ने ऐसी खबर इसलिए नहीं दी कि अगर पाकिस्तान ऐसी कोई खबर की तस्दीक करता तो उसको माना ना जाता, इसीलिए क्योंकि जब उन्हें तकलीफ हुई कि भारतीय पायलट वापस कर दिया। अब आपने पूरी हमारी हुकूमत की और हमारी जो है फौज की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश की कि क्या थी, कि हमारी कितने मतलब कमाल का माइंड रखने वाले लोग हैं। हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने खैर सगाली के तौर पर जो है उस पायलट को रिहा ऐसे ही नहीं किया, उसको किया गया रिहा, हमने खैर सगाली का सबूत दिया, लेकिन उसके साथ जो दूसरा पायलट था, जब वो अपने मुल्क में वापस नहीं पहुंचा तो वहाँ से फिर खबरें आनी शुरू हो गई कि हमारा पायलट भी शामिल था, वो भी वापस करे पाकिस्तान। तो क्यों वापस करे पाकिस्तान? आप पाकिस्तान में जिस तरह की मुखबरियाँ और जिस तरह के मामलात और हालात और लोगों पर जुल्म और सतम के पहाड़ तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की नज़र नहीं है? पाकिस्तान की जो है वो एजेंसीज हैं, या जो पाकिस्तान का हमारा जो फ़ौज का एक किरदार है वो कुछ नहीं है? हमारी फ़ौज आम फौज नहीं है, पूरी दुनिया की पावरफुल अफवाज में हमारी फ़ौज का जो है वो शुमार होता है, हमारी अफवाज का शुमार होता है, और हम किसी से कम नहीं हैं। पाकिस्तानी अपने आप को प्रूफ कर सके हैं, ये अखबार जो है वो चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान क्या है, और मुस्लिम मुमालिक भी इस चीज़ को देख लें और तमाम दुनिया देख लें कि मुसलमानों की ताकत जो है वो कितनी ज़्यादा है, कि लोग खुद ही पुकार उठे हैं। एक और खबर जना